सिंगरौली जिले के चतरंगी क्षेत्र के ग्राम बड़कुड़ में अर्पणा स्टेशन क्रेशर संचालित है, जिसका पत्थर निकालने की खदान बस्ती के बीचों बीच है। हाई ब्लास्टिंग के कारण लोगों के घरों तक बड़े बड़े पत्थर पहुंच रहे हैं। आज दो मासूम बच्चे खेल रहे थे, उनके बीचों बीच लगभग 2 किलो का पत्थर गिरा। नसीब अच्छा था कि किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई। ग्रामीणों को बिना सूचित किए हाई ब्लास्टिंग की जाती है, इसे लेकर चतरंगी उपखंड अधिकारी को शिकायत की गई, जिसे संज्ञान में लेते हुए उपखंड अधिकारी द्वारा टीम गठित कर जांच कराई गई, जिसमें चतरंगी तहसीलदार सुरेश चंद्र परते मीनिंग इंस्पेक्टर कपिल मुनि शुक्ला सहित आरआई पटवारी के द्वारा जांच की गई। जांचकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि इसका वीडियोग्राफी किया गया, ये कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर उचित कार्रवाई की जाएगी। पत्थर गिरा हुआ है और औरत घर में मतलब यही थी, ठीक नहीं बाहर भी पत्थर देख लीजिए। ये वाला पत्थर ब्लास्टिंग का है, ये खुद ही मतलब गिरा हुआ है यहाँ से उठा के। कितना वजन होगा इस पत्थर का? वजन तो लगभग 3-4 किलो, 3 से पार ही है तो है लगभग। जिंदगी ले लेंगे बच्ची। यहाँ आदमी नहीं थे? आदमी बच्चे सो रहे थे अपना, एक बच्चा हमारा उधर ही थे, हम लोग इस चारपाई पे सो रहे थे। इसी चारपाई पे नहीं, बच्चा तो घर में सोया था। अच्छा अच्छा, बच्चा घर में सोया था, मतलब सहयोग अच्छा रहा। हाँ संजोग सही रहा। यही सीट देखिए, इतना मतलब एक और पोल के फूटा है, ठीक ना, यही पत्थर गिरा हुआ है। बड़े पत्थर यह शिव शक्ति है, मनोज सिंह का क्रेशर है जी, पार्टनर में भी है। ये बगल में लीज दोनों लोगों की जो है शादी में, मतलब ये पत्थर ला के यहाँ वजन करते हैं। वजन करने के बाद उसमें फिर भी पत्थर जाता है इसमें। अच्छा, दोनों क्रेशर किसके हैं? एक मनोज सिंह का है, एक अजीत राय का है। अच्छा, एक का नाम अर्पणा एसोसिएट्स है और के नाम से है जी, और ये वाली शिव शक्ति के, शिव शक्ति के नाम से इन्हें है। यही गाड़ी भी खड़ी है। कल लगभग दोपहर में एक पीपर वाहन खदान स्वीकृत है, तो वहाँ पे ब्लास्टिंग से संबंध में लोगों के स्थानीय व्यक्ति जो आसपास घर बने हुए हैं उनमें कुछ पत्थर पहुँचे हैं, ऐसा उन्होंने शिकायत किया था एसडीएम साहब पास में, जिसके संबंध में जांच हेतु एसडीएम साहब के द्वारा तहसीलदार साहब के मार्गदर्शन में आरआई पटवारी विभाग के सभी अधिकारियों साथ में जाँच करने के लिए टीम गठित की थी, जिसके तहत आज मौके पर जाकर जाँच की गई। जाँच में सभी तथ्यों को अवलोकन किया गया, फोटोग्राफ्स लिए गए और पूछताछ में जो तथ्य आए हैं उनका पंचनामा तैयार किया गया है, जिसे अब कार्रवाई है तो कलेक्टर साहब महोदय के पास भेजा जाएगा, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। सर क्रेशर में किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, किसी मानक का पालन नहीं किया जा रहा है सर, जैसे कि क्रेशर रोड में है और प्लांट एकदम गाँव के बीच में है ये खदान सर, तो ऐसे में क्या कार्रवाई की जाएगी? सभी नियमों को देखते हुए तथ्यों को लिखा गया है, जो भी आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई होगी कलेक्टर महोदय की जाएगी। सर जब तक क्लियर नहीं होगा तो ब्लास्टिंग बंद रहेगी? वो अब निर्णय हो जाएगा कलेक्टर साहब, निर्णय उनके पास तथ्य रखा जाएगा, सक्षम अधिकारी ही उसमें निर्णय ले सकेंगे कि काम बंद रहेगा कि चालू रहेगा। लोग एसडीएम साहब के आदेशानुसार जो बड़कुल में ब्लास्टिंग के दौरान कुछ लोगों को, परिवार के लोगों को, वहाँ बच्चों को चोट वोट की कल की घटना है ये, उसके संदर्भ में हम लोग हमारे एक सब इंस्पेक्टर थे, आरआई साहबान थे, कई 3-4 पटवारी थे, इनके साथ वहाँ गए जहाँ से ब्लास्टिंग का काम हुआ था। तो वहाँ मौके पर जाकर के देखे तो पत्थर तो है, तो गिरे तो हैं मतलब वहाँ से आके, लेकिन बहुत छोटे साइज में भी थे पत्थर और कुछ एक दो बड़े थे। तो उनके मकानों में भी जो टीन शेड लगा, टीन शेड नहीं सीमेंट शीट, उसमें भी कुछ हल्का सा गिरने का है उसमें, और बाकी और कुछ विशेष तो नहीं लगा, ना किसी की ऐसी कोई गंभीर चोट आना तो नहीं मिला। लोगों से हमने वहाँ के बासिंदे जो हैं उनसे भी पूछताछ की तो बताया गया कि नहीं, मतलब मैंने उनको सूचना टाइम पे नहीं दी गई थी ऐसा करके उनका कहने का था। तो फिर हमने समक्ष में वो जो अर्पणा जो शिव शक्ति स्टोन प्रेशर है उनके कर्मचारियों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि 1 बजे का समय था, उस दौरान उन्होंने सूचना दी थी और 3 बजे वहाँ ब्लास्टिंग हुई है। और कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि वहाँ जो उनके बोर हैं उसमें कुछ क्षति हुई है, तो कुछ मकान होता तो जाके देख के वहाँ उसका उसके आधार पर उसका पंचनामा बनाया गया। विशेष हानि या क्षति या किसी मकान में कुछ घटना दुर्घटना का ऐसा कुछ भी नहीं मिला जी सर। कोई दुर्घटना बस एक बच्चे को बता रहे थे तो उसमें
हो सकता है कहीं छोटा मोटा करता या उसका लगा हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं आया है। और क्योंकि सभी टीम थी, पूरी गांव के लोग भी आ गए थे, सभी लोग, पुलिस टीम भी थी, उस हिसाब से हमने ये कार्रवाई करी है।